नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द डंकी पोएम का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए, रिराइट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज पैसेज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो पोएम है ना, आप इसे फिर से लिखो। कैसे आपको लिखना है, पैसेज वाइज लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पोएम दिया है ना, आप इसको पढ़िए, आप इसको समझिए और फिर इसको पैसेज में करके लिखिए, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। फिर यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो देखिए, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। राइमिंग वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे कि क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ओल्ड का होल्ड, फिर लूज का यूज़, ये सभी हमने पोएम में से ही लिखे हैं, ठीक है। बिट का इट, ग्रे का वे, डाउट का अबाउट, राउंड का ग्राउंड, क्वेस्ट का रेस्ट और स्लिम का हिम, ठीक है। तो ये है राइमिंग वर्ड्स। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर वाई। तो देखिए, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा है, क्या लिखा हमने, द लिटिल डंकी लुक सो स्मॉल एंड वीक दैट द पोएट प्रेज दैट द वर्ल्ड वुड बी काइंड टू हिम। फिर उसके बाद यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ न्यू बॉर्न यंग वन ऑफ एन एनिमल। तो देखिए, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। आप यहाँ पे किसी भी एनिमल का नाम लिख सकते हो, आपने जिस भी एनिमल को देखा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किटन लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने किसी न्यू बॉर्न अगर एनिमल के किसी बेबी को देखा होगा, मतलब जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर किटन के बारे में लिखा है, क्या लिखा है हमने, येस आई हैव सीन अ न्यू बॉर्न बेबी किटन, इट वॉज टीनियर देन द पाम ऑफ माई हैंड, इट्स आईज वर क्लोज एंड इट लुकड वीक एंड हेल्पलेस, आई वंडर्ड हाउ सच अ टीनी लिटिल थिंग कुड सर्वाइव बट इट डिड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th है, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड राइट वॉट यू कुड डू वेन। देखिए, आप अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स से बात करो और बताओ कि उन्होंने क्या किया जब, देखिए यहाँ पर 1st क्या है, यू वर अ डे ओल्ड, मतलब जब आप एक दिन के थे तब आपने क्या किया, ठीक है। यू वर 1 month ओल्ड, मतलब जब आप 1 महीने के थे तब आपने क्या किया। फिर यू वर 6 months ओल्ड, और जब आप 6 महीने के थे तब आपने क्या किया। यू वर 1 year ओल्ड, और जब आप 1 साल के थे तब आपने क्या किया। आपको ये अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर से पूछना है और फिर इसमें लिखना है, ठीक है। तो यह आपको खुद से करना है, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या इसमें दिया है, पढ़ते हम इसको, फॉर्म ग्रुप्स एंड होल्ड डिबेट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, मेक बुलेटेड लिस्ट ऑफ पॉइंट्स इन फेवर प्रोज एंड दोज अगेंस्ट कॉन्स द गिवन स्टेटमेंट, लेट द होल क्लास वोट ऑन हु वॉन द डिबेट। देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक्स ही है ना, इनके ऊपर क्या करना है, डिबेट करना है आपके क्लास में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर ए क्या था, मैन शुड यूज एनिमल्स फॉर हिज ओन नीड्स। तो देखिए, यहाँ पर प्रॉस्परस मतलब क्या, जो उनके फेवर में है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉन्स मतलब क्या, जो उनके अगेंस्ट में है, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है इस टेबल में प्रॉपरली, तो आप भी इसे लिख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर बी क्या था, देखिए, कॉन्टेक्ट विथ मैन हैज हेल्प एनिमल्स टू सर्वाइव। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको टेबल बना करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड व्हाट द यंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कॉल्ड, मतलब यहाँ पर ये जो एनिमल्स के नाम दिए हैं ना, उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, देखिए पूरा हमने यहाँ पर प्रॉपरली सब अच्छे से लिखा है।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग योर ओन आइडियाज़। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ पूरा हमने अच्छे से एकदम इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 9th वन क्या है, राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन। देखिए यहाँ पर ना आपको क्या लिखना है, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत लिखना है। जैसे यहाँ पे ए है अ डंकी एंड अ डॉग, मतलब एक डंकी और एक डॉग के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर बी क्या है, अ डंकी एंड अ हॉर्स। फिर सी है अ डंकी एंड अ स्कूल बॉय। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया है, देखिए यहाँ पर हमने इतना किया है, आप इसके आगे का लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, जैसे डोंकी क्या बोल रहा है, हाय डॉग हाउ लक्की यू आर। फिर डॉग क्या कहता है, लक्की मी वाई। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी उनके बीच में जो भी बातचीत वगैरह जो भी होती है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप इमेजिन करो कि वो दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने ए का लिखा है यहाँ पर, इसके आगे आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बी का हमने थोड़ा सा लिखा है, फिर इसके आगे का आपको लिखना है, और सी का तो पूरा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो आप थोड़ा इमेजिन करो कि एक डंकी और एक स्कूल बॉय दोनों आपस में क्या बातचीत कर सकते हैं, और फिर आप ऐसे लिखो। ठीक है, फिर लास्ट वन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10th वन है, ठीक है, अभी लास्ट वन बाकी है। इफ यू सा सम वन एब्यूजिंग एन एनिमल, वॉट वुड यू डू, राइट अबाउट इट इन 5 लाइन्स। देखिए अगर आप किसी को देखते हो जो क्या कर रहा है, एनिमल को एब्यूजिंग कर रहा है, मतलब उसको गाली दे रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप 5 लाइन लिखो। ओके, फिर यहाँ पर 11th वन है, विजिट अ लाइब्रेरी, फाइंड पोएम्स अबाउट एनिमल्स, कॉपी देम एंड रिसाइट देम टू योर फ्रेंड्स। मतलब आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में जाना है, हर एक के स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, तो आपको लाइब्रेरी में जाना है और एनिमल्स के ऊपर जो भी पोएम्स वगैरह हैं आप क्या करो, उनको कॉपी करो और फिर अपने फ्रेंड्स को सुनाओ, रिसाइट करो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस लेसन का जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए थे उन सभी के आंसर्स हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।